नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी साथी? आई होप कल का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने उस पर कमेंट्स भी किए हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं, है ना। तो मैंने कल पूछा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की, तो बहुत सारे दोस्तों ने बताया भी है कि बहुत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, है ना। बहुत सारों ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, और सबसे छोटी ग्रंथि का पूछा था, तो बिल्कुल पिट्यूटरी। बहुत सारा पीयूष लिखा है, ठीक है, वही बात हो गई ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, बिल्कुल। लीवर आपको पता ही है कहाँ, आपके स्टमक के साइड में पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि तो ये आपके ब्रेन में पाई जाती है। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही शानदार जवाब दिया है दोस्तों ने कल के लिए, ठीक है। और आपने जो कमेंट्स दिए उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज करते हैं शुरू और देखते हैं हमारी दूसरी क्लास कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइल इज कलेक्टेड इन, अच्छा बाइल को हिंदी में बोलते हैं पित्त रस, क्या बोला जाता है? पित्त रस। तो ये बोलता है कि पित्त रस कलेक्ट, मतलब कि कहाँ स्टोर होता है पित्त रस, जब बनता है तो स्टोर कहाँ होता है, कलेक्ट कहाँ होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पित्त रस है कहाँ कनेक्ट होता है, गोल ब्लैडर में। कहाँ पे कनेक्ट होता है? गोल ब्लैडर में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोला जाता है दोस्तों? पित्ताशय, ठीक है। तो जो पित्त रस है वो कहाँ कलेक्ट होता है? तो पित्ताशय में कलेक्ट होता है। अच्छा, पित्त रस के बारे में दो चीजें ध्यान रखना है अपने को, जो बाइल जूस होता है ना उसके बारे में दो चीजें ध्यान रखना है कि ये बनता कहाँ है। तो ये बनता है लीवर में। कहाँ बनता है दोस्तों? लीवर में, ठीक है। पूछते हैं कि बाइल जूस बनता कहाँ है, तो बनेगा वो लीवर में, लेकिन वो बोलता है कि स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, भंडारित कहाँ होता है, भंडारण कहाँ होता है या कलेक्ट कहाँ होता है। तो इसका ध्यान रखना है ये होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोला जाता है हिंदी में दोस्तों? पित्ताशय, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाइल जूस, ठीक है, और गोल ब्लैडर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाइल इज कलेक्टेड इन गोल ब्लैडर, ठीक है, क्योंकि लीवर में तो वो बनता है, ठीक है। चलिए ये चीज ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है कि डाइजेशन, हाँ, डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि डाइजेशन किसका कार्य नहीं है। डाइजेशन मतलब पाचन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका कार्य पाचन करना नहीं है? तो देखिए, बायोटिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा विटामिन B7 है, कौन सा? विटामिन B7। बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन है, B1 B2 B3 B5 B6 B7, ठीक है, B9 B12, है ना, ये सारे विटामिन है। तो उसमें B7 का जो रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या है? विटामिन B7, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन बिल्कुल सही है, पेप्सिन पचाने का काम करता है। क्या पचाता है? प्रोटीन। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। क्या, कैसा? प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके स्टमक में, आमाशय वाले भाग में पाया जाता है प्रोटीन, पेप्सिन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, रेनिन। रेनिन भी पढ़ा था आप लोगों ने, दूध को दही में कन्वर्ट करना, है ना, दूध को दही में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है रेनिन का। और ये दोनों कौन बनाता है? तो ये दोनों बनाता है स्टमक, ठीक है, आमाशय में दोनों चीजें बनती हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि किसका काम पचाने का नहीं है? तो जो विटामिन B7 है इसका काम पचाने का नहीं, बायोटिन एंजाइम नहीं है, ये खाना पचाने का काम नहीं करता, ये तो B7 का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बायोटिन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा उपकरण हृदय की धड़कनें ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हृदय की धड़कनों को क्या बोलते हैं? हार्ट बीट, ठीक है। तो आपको बताना है कि हार्ट बीट को मापने के लिए किस उपकरण का, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर के बारे में आपको चीज ध्यान रखनी है, ये जो किसी लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, किसी लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, ठीक है ना। तो लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है। अगर हम बात करें मल्टीमीटर की, तो मल्टीमीटर में आपको पता है मल्टी शब्द आ रहा है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। तो इसलिए मल्टीमीटर का काम भी बहुत सारी चीजों को मापने के लिए होता है। जैसे बोले तो हम वोल्टेज मापता है, ठीक है, वोल्टेज मापता है। दूसरी चीज, ये करंट मापता है, वोल्टेज के बाद करंट मापता है। अगर हम और देखें तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी मापता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम, क्या लिखते हैं? ओम, है ना। तो रेजिस्टेंस भी मापता है। तो
तो मल्टीमीटर का काम बहुत सारा होता है, वोल्टेज भी मापता है, करंट भी मापता है, रेजिस्टेंस भी मापता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्टेथोस्कोप की, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि हार्ट बीट को कौन मापता है, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास रहता है वो ईयरफोन टाइप में, है ना, कान में लगाए रखते हैं, फिर वो तो स्टेथोस्कोप होता है जिससे हार्ट बीट मापी जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी है स्पिग्मोमैनोमीटर। इससे क्या मापा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, इससे मापा जाता है ब्लड प्रेशर। क्या मापा जाता है? ब्लड प्रेशर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। क्या? रक्तचाप या रक्तदाब। कैसे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरा इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले सभी वीडियो के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सामान्य रक्तदाब क्या है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो रक्तदाब मापते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, वो मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, ना, किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से। अच्छा, ये बोल रहा है कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो वो होता है आपका 120/80। कितना होता है? 120/80 सामान्य रक्तचाप, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। 120 क्या होता है इसमें, तो इसको ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नीचे 80 होता है, इसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, समझ रहे हो ना। 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में वो आपको एक और ऑप्शन दे सकता है, जैसे ई वाला ऑप्शन ऐड कर दे, 80/120। तो कभी कभी क्या, हम सिर्फ 120 और 80 को याद रख लेते हैं, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार 120/80 होगा कि 80/120 होता है ना। तो फिर बहुत सारे तो ये वाला लगा देते हैं, जबकि ये वाला गलत है, ऐसा नहीं लिखते। ऊपर 120 आता है, नीचे 80 आता है, ठीक है, 120/80 ऐसा ही लिखते हैं इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। देखिए, ब्लड ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब उसको शुद्ध करना होता है, शुद्धिकरण, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपकी किडनी में। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है किडनी में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, किडनी में होता है। और क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है डायलिसिस, ठीक है। जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, इसको हम डायलिसिस बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारों की किडनी खराब हो जाती है, तो फिर उनको बाहर मशीनों द्वारा डायलिसिस किया जाता है, और उनका जो रक्त है उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्योंकि आप पैरालिसिस, आपको पता है पैरालिसिस क्या होता है, मतलब हाथ पांव पैरालाइज हो जाते हैं ना, वर्क करना बंद कर देते हैं, ठीक है, उनमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्यूरिफिकेशन किडनी में होता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि रक्त से यूरिया अलग कहाँ होता है ना, ये चीज अपनों ने कल भी देखी थी कि रक्त से यूरिया अलग होता है कहाँ पर? किडनी में, है ना, बस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोनों चीजें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? ये बोल रहा है कि ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जिसे कि हम रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, तो ये बोल रहा है कि किस में सामान्य वृद्धि को ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहा जाता है, आपको ये चीज बतानी है। तो देखो, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। ब्लड सेल्स दो प्रकार की होती है, एक होती है WBC और दूसरी होती है RBC, ठीक है। अच्छा, WBC की संख्या अगर बढ़ रही है ना, आपके शरीर में जो सामान्य WBC की संख्या चाहिए उससे अगर ज्यादा हो जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, ठीक है। और इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर, इसी को क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही पूछा हुआ है कि किसमें असामान्य वृद्धि ल्यूकेमिया कहलाती है, तो वो WBC या श्वेत रक्त कणिकाओं में असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अगर WBC की संख्या में कमी आ जाए, ये तो वृद्धि हो गई, मान लो चलो कि ठीक है वृद्धि हो गई, WBC संख्या बढ़ गई, तो वो ल्यूकेमिया। अगर कमी आई तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूकोपिनिया, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। RBC में आपको पता है RBC की संख्या अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया होता है। अब आपको एक चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि अगर RBC की संख्या बढ़ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ठीक है ना।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने, ठीक है बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी है, लेकिन और भी जो साथी पढ़ना चाहते हैं साइंस, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। ये सारे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, मैंने मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, तो चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? चलिए तो मैं आपको थोड़ा है ब्लड का आज क्लियर ही कर देता हूँ कि ब्लड क्या चीज है, ठीक है ना, कि सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है, इसमें दोस्तों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आज इस चीज को क्लियर ही कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, चलिए 1 मिनट में स्पष्ट कर देता हूँ थोड़ी सी, फिर अपन करते हैं शुरू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, सर्वग्राही और सर्वदाता कौन सा होता है? देखिए ब्लड को पहले तो दो चीजों पे बनाया जाता है, ठीक है, ब्लड में दो चीजें होती है, एक होता है एंटीजन, ठीक है, और दूसरी चीज होती है एंटीबॉडी। बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, ब्लड में दो चीजें होती है, एक एंटीजन पाया जाता है, दूसरी पाई जाती है एंटीबॉडी, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप हम देखते हैं ना, AB, AB, O, ये ग्रुप किसके नाम पे पड़े हुए हैं? तो ये नाम लिया जाता है एंटीजन से। एंटीजन चार होते हैं, जैसे एक ए एंटीजन हो गया, ठीक है, एक एंटीजन होता है बी। एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और एंटीजन जिसमें ए और बी दोनों ना हो, जैसे जो आप सामान्यतः ओ बोलते हो ना, इस ओ को ओ नहीं बोला जाता, ये जीरो होता है। इसको क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, इसको बोलते हैं हम जीरो, ठीक है। तो इसी के नाम पे ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप इन्हीं के नाम पे पाए जाते हैं, ए से ए, बी से बी, ए बी से ए बी, और आगे ओ से ओ, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, तो क्या होता है? ब्लड ग्रुप आपका ओ होता है, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडी के केस में क्या होता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जानी दुश्मन है। मूवी देखी है ना, दुश्मन मतलब दोनों कट्टर दुश्मन है, कि भैया जहां पर ए एंटीजन आएगा ना, वहां एंटीबॉडी ए नहीं आती। अच्छा, मैं दो चीजों आपको बता दूं कि एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाते हैं, जबकि एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ए छोटे ए का दुश्मन है और बड़ा बी छोटे बी का दुश्मन है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो बड़ा ए जहां पर है ना, वहां छोटा ए नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? उसका बिल्कुल उल्टा, उसका बी आएगा, ठीक है। जैसे एंटीजन यहाँ बी है, तो यहाँ छोटा बी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जानी दुश्मन है, तो यहाँ पर कौन आएगा? ए आएगा। अच्छा, यहाँ पे ए और बी दोनों है, तब दोनों के दुश्मन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ छोड़ दो, यहाँ जीरो, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा भैया? तो इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, दोनों गायब है, तो यहाँ दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों एंटीबॉडी आएंगी, ए भी आएगी और साथ में आपकी बी भी आएगी, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो और आगे देख लेते हैं, और आगे क्या है ना, तो देखिएगा उसके बाद की टेबल में आपको बताऊं। तो ये तो चीज आपको पता पड़ गया ना, ब्लड ग्रुप का नाम कैसे है, तो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप का नाम। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और एंटीजन कोई सा भी नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो वो होगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब कौन किसको देता है, कौन क्या होता है, तो ये अगली टेबल में, एक और टेबल में अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और टेबल बना लेते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ टेबल, है ना। देखिए इधर लिखते हैं हम एंटीजन, इधर क्या लिखते हैं? इधर लिखते हैं हम एंटीजन और इधर लिखते हैं हम एंटीबॉडी। इधर क्या लिखा जाता है? इधर लिखा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप कौन कौन से है? तो ए बी, ठीक है, फिर आपका ए बी, और फिर कौन सा होता है आपका ओ। तो इधर भी लिख लेते हैं ये ए, ठीक है, बी, ए बी, और ये हो जाएगा ओ, ठीक है। चलिए टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है ना। इस टेबल से आपकी ये जो चीजें हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई। इधर लिख लिया हमने एंटीजन, तो एंटीजन क्या होता है? ए में एंटीजन ए होता है, बी में एंटीजन बी होता है, ये ऊपर वाली टेबल से लिख रहा हूं मैं ना, किसी को समझ नहीं आ रहा हूं तो ऊपर वाली टेबल से देख लेना। ए बी में क्या होते हैं? दोनों एंटीजन होते हैं ए बी। ओ में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, तो डैश लगा दिया। अच्छा, आपको पता है जब इधर ए है, ठीक है, तो इधर एंटीबॉडी क्या होती है? इसमें बी होगी, ठीक है, इसमें क्या होगी? इसमें ए होगी। अच्छा, ए बी में क्या होगी? कुछ नहीं होगी, और ओ में क्या होगा? ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगी, है ना, ये बिल्कुल मैंने ऊपर वाली टेबल से लिखा है। अच्छा, अब चीज देखिएगा, ए और बी दोनों जानी दुश्मन है ना, ए और बी दोनों जानी दुश्मन है, मतलब सॉरी, क्या बड़ा ए और छोटा ए दोनों जानी दुश्मन है, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। बड़ा बी
और छोटा भी, ये दोनों जानी दुश्मन है, ये भी दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ए के साथ छोटा भी आ सकता है और बड़े भी के साथ छोटा आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये इस साइड लिखे ना, ये सारे हैं डोनर। ये कौन है? ये डोनर, ये दाता है। और ये इधर जो एंटीबॉडी लिखा है ना, ये सारे हैं रिसेप्टर। ये क्या है? ये सारे हैं रिसेप्टर या रिसिपियंट है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे ग्राही हैं, ये सारे ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा ना, तो वो इस वाले को बी को दे सकता है, इस वाले को दे सकता है, क्योंकि ए बी को दे सकता है, ठीक है। लेकिन बड़ा ए और छोटा ए दोनों आपस में जानी दुश्मन है, तो ये इसको नहीं देगा कि भैया यार तू तो मेरा दुश्मन, मैं तेरे को ब्लड ग्रुप क्यों दूं, है ना, मैं ब्लड नहीं दूंगा अपना, तो ये उसको नहीं दे सकता। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कोई भी नहीं है ना, तो वो दे देगा, ठीक है यार भैया वहां तो कोई भी नहीं है, मैं दे देता हूँ चलो, तो ये इसको दे देगा। अब यहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो ए का जानी दुश्मन है, इसका मतलब ये इसको नहीं देगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये, पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं, बी वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे एंटीजन क्या है? बी। यहाँ पे एंटीबॉडी है बी, तो बी बी आपस में दुश्मन है भैया, कि मैं नहीं दूंगा इस छोटे बी को, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हट गया। अच्छा यहाँ पे ए है, तो ये इसको दे देगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी इसको दे देगा। लेकिन यहाँ पे बी है, तो ये इसको नहीं दे पाएगा, ठीक है, कि भैया मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ए बी में भी देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों एंटीजन है, तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी है अगर, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि बी बी आपस में जाने दुश्मन है, तो बी वाला बी को नहीं देगा। अच्छा यहाँ ए बी है और यहाँ ए है, तो ए वाला बोल देगा कि भैया अब मैं नहीं दे रहा, ठीक है, तूने वहां बी वाले को नहीं दिया, तो मैं भी यहाँ अब अपने छोटे ए वाले को नहीं दूंगा। इसमें क्या होगा कि इसमें वहां कुछ नहीं है, तो ये दे देगा कि भैया अपन दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे वाला कोई भी नहीं, अपने दोनों दुश्मन है ही नहीं, गायब है यहाँ से, तो चलो इसको दे देते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों है, तो यहाँ भी नहीं देगा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ओ नेगेटिव वाले में। अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये किसी को भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है, इसको भी दे सकता है, और यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसको भी दे देगा। और यहाँ दोनों हैं तो भी क्या मतलब है, यहाँ बड़े वाले ये भी तो है नहीं, दुश्मन दुश्मन तो है ही नहीं, तो ये इसको भी दे देगा। चलिए तो यहाँ से अपने को क्या चीज समझ में आई है? अपने को ये चीज समझ में आई है कि ये थे डोनर, देने वाले, इधर वाले कौन थे? देने वाले। तो अब ये चीज देखो कि देने वाला कौन सबको दे रहा है। तो देखो ओ में देखते हैं, देखो पहले मैं अगर ए में बताऊं आपको, तो ये इसको तो दे रहा है, लेकिन इसको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ये बी वाला इसको भी नहीं दे पा रहा है, ए बी वाला इसको नहीं दे पा रहा है, लेकिन ओ को देखो, ओ इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे पा रहा है, इसको भी दे पा रहा है। इसलिए ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं हम सर्वदाता। ओ को क्या बोला जाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, ठीक है। अब ये लेने वाले, तो लेने में देखो ए सबसे ले रहा है क्या? नहीं, इससे नहीं ले पा रहा बी से। बी सबसे ले रहा है, इससे नहीं ले पा रहा है। ए बी सबसे ले पा रहा है क्या? हाँ, इससे 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 सबसे ले पा रहा है। तो हम ए बी को क्या बोल देते हैं? ए बी को बोल देते हैं हम सर्वग्राही। ए बी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वग्राही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओ को सर्वदाता बोलते हैं और ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। आप इसको फिर से, अगर जिसको समझ नहीं आई है, तो एक बार फिर से पीछे बैक करके, वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो फिर से बता दीजिएगा, ताकि मैं कल की क्लास में फिर से आपको इसको एक बार बता दूं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो हमें यहाँ पता है सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ए बी। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में दो चीजें दी हुई है, ए बी नेगेटिव भी दिया हुआ है, ए बी पॉजिटिव भी दिया हुआ है। अब ये क्या चीज है? तो चलो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ये क्या चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, ठीक है। ये टेबल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि मेरे को आपको नेक प्लस माइनस वाला भी समझाना है। देखिए अब ब्लड ग्रुप के अंदर ही जैसे एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं ना, ठीक है, ऐसा एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। क्या बोला जाता है? आरएच फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। क्या होता है? आरएच फैक्टर होता है। देखिए अगर किसी ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर है, जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप है ना, अगर इसमें आरएच फैक्टर है, तो इसको बोलते हैं हम ए पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एनएच ए नेगेटिव बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सब होते हैं। अब इनमें क्या होता है, आरएच फैक्टर का एक रूल होता है, वो चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आरएच फैक्टर प्लस है, ठीक है, मतलब आरएच फैक्टर अगर है, तो वो किसी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। अगर आरएच नेगेटिव है, तो उसको नहीं दे सकता। इस बात को आप समझे क्या? जैसे मान लो ये ए पॉजिटिव वाला है ना, तो ये ए नेगेटिव वाले को नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो ना। जिस किसी में प्लस है, तो वो नेगेटिव वाले को नहीं दे पाएगा। ए पॉजिटिव है, तो ये ए नेगेटिव को नहीं दे पाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है ना। वैसे अगर हम देखें, अगर आरएच फैक्टर प्लस है, तो ये प्लस वाले को तो दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दोनों सेम कैटेगरी से ही है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो दोनों दे देगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए तीसरी कंडीशन आती है, अगर आरएच नेगेटिव है, तो ये प्लस वाले को दे देगा, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर प्लस वाला नेगेटिव वाले को कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ये समझो कि
कि आप हो है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप पैसे ही कमाते, अभी काम भी नहीं करते, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपको बोल दे कि 1 करोड़ रुपए दे दे आपको फटाक से, तो आप उस 1 करोड़ को संभाल नहीं पाओगे, आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, इसमें आरएच प्लस है और इसमें माइनस है, इसके पास कुछ भी नहीं है, जबकि इसके पास प्लस है, इसके पास बहुत सारा है, तो ये जब इसको देगा तो ये संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ये सिचुएशन होती है गलत, कि ऐसा होता नहीं है। बाकी प्लस वाला प्लस वाले को दे देगा, कोई समस्या नहीं है, माइनस वाला है वो भी प्लस वाले को दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास है, इसको संभालने की आदत में है, तो ये संभाल लेगा, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आरएच नेगेटिव अगर है तो ये अपनी सेम कैटेगरी वाले को, आरएच नेगेटिव वाले को ग्रुप दे देगा, ठीक है। यहां से देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ये सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव को दे देगा, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। ए नेगेटिव है तो ये ए पॉजिटिव को दे देगा, ये सिचुएशन भी बन जाएगी, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो वो ए नेगेटिव को तो देगा ही सही, ये सिचुएशन तो बनेगी बनेगी, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि देने वालों में कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, देने वालों में कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, क्या नेगेटिव वाला सबसे ले पा रहा है, क्या नेगेटिव वाला सबसे ले पा रहा है क्या? ये यहाँ नेगेटिव तो ठीक है, इससे ले रहा है, लेकिन ये नेगेटिव वाला ले पा रहा है क्या? नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सल ग्राही होता है ना, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, क्या वो कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है ना, वो कभी नेगेटिव वाला नहीं होगा, तो ए भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ए भी पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर डोनर की बात करें कि यूनिवर्सल डोनर कौन हो सकता है, तो यहाँ चीज देखो, प्लस वाला क्या सबको दे पा रहा है क्या? यूनिवर्सल डोनर प्लस वाला सबको दे पा रहा है, ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला इसको दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है, क्योंकि पहली सिचुएशन तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, प्लस वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो प्लस वाला सबको नहीं दे पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्लस वाला दे पा रहा है क्या? ठीक है, प्लस वाले को दे पा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। हम माइनस वाला देखते हैं। अच्छा, यहाँ माइनस वाला प्लस को दे पा रहा है, यहाँ माइनस वाला भी माइनस को दे पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब माइनस वाला सबको दे सकता है। तो देखिएगा, यहाँ से 2 चीजें निकल के आती है, कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना, यूनिवर्सल डोनर, और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है दोस्तों। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो तो कौन होता है? वो होता है, लेकिन कौन दे पा रहा है? माइनस वाला इसको भी दे पा रहा है और माइनस वाला इसको भी दे पा रहा है, दोनों, ठीक है ना। तो ये होता है ओ नेगेटिव। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना, यहाँ देखो, ये माइनस वाला इससे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये माइनस वाला इससे एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन माइनस वाला नहीं कर पा रहा है। लेकिन ओ देखो, ओ इससे ले लेता है और ये प्लस वाला भी इससे ले लेता है, दोनों प्लस वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, कि जो ए बी तो होगा, लेकिन ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। हम क्या याद रख लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ओ तो है, लेकिन जब ऑप्शन ऐसा दो दे देगा ना कि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान रखना है, यूनिवर्सल डोनर होगा ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कौन सा होगा? ए बी पॉजिटिव, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, कल से फिर से इसको बता दूंगा मैं आपको एक बार, है ना। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। पहले इसको हटा लेते हैं, अपने यहाँ को स्पेस चाहिएगी ना अपने, चलो इसको हटा देते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है कि रक्त के स्कंदन के लिए, स्कंदन को बोलते हैं हम क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ये पूछ रहा है कि ब्लड के क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपको ये बताना है कि रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन कौन सा आवश्यक है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना है। तो देखिए, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विटामिन के। कौन सा? ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, रक्त के स्कंदन में। चलिए इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, विटामिन सी का सबको पता होना चाहिए, इसका क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में। अच्छा, डी का क्या होता है? तो डी का देखिएगा, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन ई का क्या होता है? तो विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का क्या होता है? तो इसका होता है फिलोक्विनोन, क्या होता है? फिलोक्विनोन, ठीक है। ये आपको साइंटिफिक नेम आपको सबके याद होने चाहिए, विटामिन ए बी सी डी सबके याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन में तो मैंने आपको बता दिया। विटामिन ए के बारे में और कुछ चीज बताऊं तो मैं बताना चाहूंगा, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं ना, ये चीज हमें पता है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से स्टरलिटी आती है। क्या आती है? स्टरलिटी। स्टरलिटी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बांझपन। क्या होता है? बांझपन,
बांझपन होता है महिलाओं में, और अगर पुरुषों की बात करें तो इनमें होता है नपुंसकता। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, उनमें रिप्रोडक्शन का पावर नहीं हो पाता, उनमें रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हम स्टरलिटी, बांझपन या नपुंसकता, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन डी की बात करें, डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इससे ऑस्टियोमलेशिया भी होता है ना। ये दोनों बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं, जो कि हड्डियों से संबंधित होती हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, साथ में खून वगैरह भी निकलने लगता है मसूड़ों से, ठीक है। अच्छा, विटामिन के फिलोक्विनोन, इसकी कमी से तो रक्त का थक्का नहीं जमता, ये हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है कि विटामिन के हमारे शरीर में कहाँ बनता है, विटामिन के जो है ये शरीर में बनता भी है और हम इसको बाहर से भी ले सकते हैं। तो देखिए, विटामिन के शरीर में बनता है कहाँ, बड़ी आंत में। कहाँ बनता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आपने एक नाम सुना होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। कैसा, ई कोली बैक्टीरिया। ये कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, और ये विटामिन के संश्लेषण करता है, ठीक है ना। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ये विटामिन के संश्लेषण करने में सहायता करता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि सार्वत्रिक रक्तदाता समूह है। ये बोल रहा है कि रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो मैंने आपको बताया अभी यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, लेकिन ओ के ऑप्शन दो हैं, ये भी है और ये भी है, कौन सा होगा। मैंने आपको बताया जो नेगेटिव वाला है वो दे सकता है, पॉजिटिव वाला दोनों को नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं होगा, क्या होगा, ओ नेगेटिव, मैंने आपको ऊपर लिखा है, आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो, बताया भी था मैंने यहाँ यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव है ना, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आपको बताना है कि जो आरबीसी होती है ब्लड सेल्स में, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, लाइफ स्पान कितना होता है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो आरबीसी का होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है, 120 दिन तक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यू 3 से 4 दिन, तो ये जो 2 से 4 वाला होता है किसके लिए होता है, डब्ल्यूबीसी के लिए, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन तक जिंदा रहती है, कितने दिन तक, 8 से 10 दिन तक जिंदा रहती है प्लेटलेट्स। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या होगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ अ मैन हैज अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, वॉट विल बी हिज टेम्परेचर इन फेरनहाइट। आपको बताना है कि सेल्सियस में उसका टेम्परेचर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फेरनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए, ये जो टेम्परेचर का जो कन्वर्जन होता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि फॉर्मूला मैंने नीचे आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूलो को लगा करके कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा हुआ सेल्सियस, तो सेल्सियस कौन सा, ये वाला पूछा, काय का फेरनहाइट का पूछा, तो फेरनहाइट का ये वाला। इन दोनों को बराबर में रख के देख लेते हैं, तो सी बटे 5 = F - 32/9। चलिए रख लेते हैं, अपने काय की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है कितनी, 60, तो यहां रख देते हैं 60 / 5 = F - 32/9, ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं, इस 9 का गुणा यहाँ ऊपर कर लेंगे, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, 60, अब ये 9 उधर नीचे तो इधर ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 है ही सही, बराबर F - 32, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए 5 से पहले 60 को काट लेते हैं, तो 5 एकम 5, 1 बचे, 5 दून 10, ये कितना हो जाएगा, 12 × 9 का गुणा करो जरा, तो ये कितना हो जाएगा 90, और 9 दून 18 कितना हो जाएगा, 12 × 9 = 108, 108 = F - 32। अच्छा, ये माइनस है इधर, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 108 + 32 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 140। तो फेरनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, F बराबर आ जाएगा 140 डिग्री फेरनहाइट, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये दिया हुआ ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि 60 डिग्री सेल्सियस की फेरनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, 140 डिग्री फेरनहाइट होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो नए साथी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बार बार मिलते रहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बता देना चाहूंगा आपको कि जो नए दोस्त हैं ना, तो वो एक मोबाइल नंबर लिख लें, 9753 74
9986 ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको क्या है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो भी पीडीएफ्स होती हैं या फिर क्लासेस कब होनी है इसके नोटिफिकेशन, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन इस पर मिल जाएंगे इस नंबर पर, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर इस नंबर को ऐड कर लीजिएगा और हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम आपके चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमें ऐड कर लो, तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि हमारा एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है, तो Layer 3 एजुकेशन, किस नाम से, Layer 3 एजुकेशन के नाम से आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पर अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर, किसी को अगर इंग्लिश पढ़ना है अच्छे से तो इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, पूरा बेसिक से लगा करके एडवांस तक का। आपको वहां पर मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा, है ना, बेसिक से एडवांस तक का। तो जो भी साथी नए हैं वो इस Layer 3 एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और इस पर भी एक बार विजिट करें, ठीक है, देखें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस मिल जाएंगे। फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेना है नहीं लेना है, तो एक बार देखें जरूर इसको, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम फिर कल, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरा जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।